दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार दुबई को किसी के परिचय की जरूरत नहीं। दुबई के लोगों की लाइफ स्टाइल और यहाँ की ऊंची इमारतें हमेशा से दुनिया को आकर्षित करती आई है। दुबई में साल 1960 से पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। 1960 में यहाँ तेल की खोज हुई और उसके बाद यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों का बनना शुरू हुआ और आज दुबई सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट सिटीज में से एक है। वहीं सपनों का शहर कहे जाने वाले दुबई से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी बातें जो आप दुबई में बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं। ड्रिंकिंग। दुबई में आप पब्लिक प्लेस में ड्रिंक नहीं कर सकते और बिना लाइसेंस के अपने घर में शराब भी नहीं रख सकते और ना ही शराब पीकर गाड़ी चला सकते हैं। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप किसी होटल में जाकर शराब पी सकते हैं। फोटोग्राफी। दुबई में बिना अनुमति के पब्लिक प्लेस में फोटोग्राफी करना मना है, स्पेशली महिलाओं का, फैमिलीज का और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का। ड्रग्स और मेडिसिंस। दुबई में दवाइयों के सेवन के लिए बहुत ही कड़े कानून बनाए गए हैं। यहाँ पर दवाइयों के इस्तेमाल को भी नशे की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए अगर आप चेकिंग के दौरान बिना पर्ची के पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है। सिंगिंग और डांसिंग ऑन द स्ट्रीट। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप कहीं भी सिंगिंग और डांसिंग कर सकते हैं, लेकिन दुबई में इसको लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। दुबई में आप किसी भी स्ट्रीट में सिंगिंग और डांसिंग नहीं कर सकते और ना ही म्यूजिक सुन सकते हैं। किसिंग ऑन पब्लिक प्लेस। दुबई में आप अपने पार्टनर को पब्लिक प्लेस पर किस नहीं कर सकते और ना ही हाथ पकड़कर चल सकते हैं। दुबई में पब्लिक प्लेस पर किस करने वालों के लिए कठोर कानून बनाया गया है। ऐसा ही हुआ ब्रिटिश के एक कपल्स के साथ। दुबई पुलिस ने उन्हें बीच पर किस करते पकड़ लिया और इन दोनों कपल्स को सलाखों के पीछे डाल दिया। तो अगर आप भी दुबई जाने का सोच रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें। नो न्यूडिटी। दुबई में आप खुले कपड़े पहनकर नहीं घूम सकते। ये नियम दोनों के लिए लागू होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। आपको पूरे शरीर पर ढके हुए कपड़े ही पहनना है। दुबई में छोटे कपड़े पहनने वाले को इनडिसेंट और डिसरिस्पेक्टफुली माना जाता है, इसलिए आप जब भी दुबई जाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें। डोंट यूज लेफ्ट हैंड। अगर आप लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं और आप दुबई जाने का सोच रहे हैं तो ये बात जान लें कि दुबई में लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करने वालों को इनडिसेंट माना जाता है। दुबई में आप लेफ्ट हैंड से ना खाना खा सकते हैं और ना ही डोर ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं तो बेटर होगा कि दुबई जाने के बाद राइट हैंड का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दुबई के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।